टाटा हैरियर कार ने महिला को गठरी में बदला। समान थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड के पास ओवर ब्रिज के नीचे हुआ हादसा। लाश को बोरी में भर कर पहुंचाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। टाटा हैरियर कार ने महिला को गठरी में बदला। समान थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड के पास ओवर ब्रिज के नीचे हुआ हादसा। लाश को बोरी में भरकर पहुंचाया गया संजय गांधी अस्पताल। समान थाना पुलिस ने कार को किया जब्त। आज दोपहर रीवा के समान थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड के पास टाटा हैरियर MP 17 CD 1713 ने एक महिला को कुचल डाला। महिला का शव बोरी में भरकर लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। हम आपको बता दें, रीवा के नए बस स्टैंड के पास आज दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल डाला। महिला भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। कुछ दिन पहले तक अस्पताल चौराहे के आसपास रहा करती थी। अब रहा करती थी नए बस स्टैंड के बने ओवर ब्रिज के नीचे। महिला की उम्र लगभग 50 से 55 के बीच होगी। महिला दोपहर को नए बस स्टैंड के पास बने ओवर ब्रिज के नीचे सड़क क्रॉस कर रही थी। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही सफेद रंग की टाटा हैरियर कार, जिसका नंबर MP 17 CD 1713 था, ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद ड्राइवर रुका नहीं, उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। महिला गाड़ी के नीचे आ गई थी और घिसटती हुई काफी दूर तक चली गई, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर के टुकड़े हो गए। सड़क के चारों ओर महिला के शव के टुकड़े ही बिखरे हुए नजर आ रहे थे। मुश्किल से महिला की शव को एकत्र किया गया, टुकड़ों को एकत्र किया गया, मांस के टुकड़ों को एक बोरे में रखा गया और पहुंचाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, एम्बुलेंस के अंदर पीले रंग की बोरी या फिर स्ट्रेचर में रखी पीले रंग की बोरी के अंदर एक समूची महिला की लाश है, जो दोपहर के पहले तक ठीक ठाक हालत में थी, लेकिन एक तेज रफ्तार कार चालक ने उसकी यह हालत कर डाली। फिलहाल कार को रीवा के समान थाने की पुलिस ने जब्त कर लिया है। समान थाने में कार को खड़ा करा लिया गया है। जिसने भी यह हादसा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सड़क पर जहां भी नजर पड़ रही थी महिला के शरीर के टुकड़े ही बिखरे हुए थे। ये दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते। काफी मशक्कत के बाद महिला के शरीर के बिखरे अंगों को एकत्र किया गया, एक बोरी में एकत्र किया गया और एम्बुलेंस की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया गया पोस्टमार्टम रूम में, जहां पर उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमने रीवा के नए बस स्टैंड से संजय गांधी अस्पताल तक लाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की। उसका भी कहना था नए बस स्टैंड के पास हादसा हुआ है, मैं शव को बोरी में भरकर संजय गांधी अस्पताल लाया हूं। अब यहां का प्रबंधन इस शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाएगा, जहां पर इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हम आपको बता दें, सफेद रंग की टाटा हैरियर कार, जिसका नंबर MP 17 CD 1713 था, ने आज दोपहर एक कचरा बिनने वाली महिला, भीख मांगकर गुजारा करने वाली महिला को जोरदार ठोकर मारी। ठोकर मारने के बाद वह रुकड़ा नहीं, वह महिला को कार के नीचे घसीटता हुआ काफी दूर तक चला गया, जिसकी वजह से महिला के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सड़क में चारों तरफ टुकड़े बिखर गए। बामुश्किल पुलिस महिला के शव के टुकड़े एकत्र कर पाई और उसको पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रखवाया गया। कहाँ से लाए हैं, किस हालत में है? ये डेड हो चुका है, नया बस स्टैंड से। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये कार में फंस गए थे नया बस स्टैंड में। महिला है, शव लेके हम पुलिस वाले लदवा दिए हैं, हम लेके चले हैं, पुलिस आ रही है पीछे।